नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश वाराणसी ज़िले में। एक कंदवा है, ये कंदवा की जगह का नाम है जो कि चितईपुर BLW के पास है। और यहाँ पे कर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आज मैं इस मंदिर के ऊपर ये छोटा सा एक ब्लॉग वीडियो रहेगा जो कि छोटा सा एक जानकारी रहेगी हमारे माध्यम से। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ये प्राचीन काल का मंदिर है। और यहाँ पे कर्मसिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और ये जो तालाब देख रहे हैं, ये पोखरा बहुत बड़ा पोखरा है, ये कंदवा पोखरे के नाम से जाना जाता है। और ये पोखरा भी मंदिर के साथ का ही है, बहुत ही पुराना है। और ये चितईपुर चौराहे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पचकोसी मार्ग पे। पचकोसी मार्ग यहीं से गुजरता है, जहाँ से कि पचकोसी मार्ग का प्रथम चरण स्टार्ट होता है वहीं से। और यहाँ पे आप आए घूमे फिरे, देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे जो है कि शिवरात्रि को बहुत ही भव्य तौर तरीकों से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। तो आइए मैं दिखाता हूँ मंदिर को। काशी भारत की प्राचीनतम और सांस्कृतिक नगरी है। यूं तो काशी के प्रत्येक देवता की पूजा होती है, लेकिन यहाँ के नगर वासियों के प्रिय आराध्य देव भगवान भोलेनाथ हैं, जिनके नाम का जप यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते या अपनी किसी भी प्रकार की खुशी को व्यक्त करने के लिए साथ ही हर हर महादेव का नमन करते हैं। काशी के दक्षिण छोर पर स्थित कंदवा पोखरे के किनारे बसा कर्दमेश्वर महादेव मंदिर काशी के प्राचीन शिव मंदिर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पचकोसी के दौरान श्रद्धालु अपने पचकोसी यात्रा के दौरान यहां पे विश्राम आराम वो करते हैं। यहां पे धर्मशाला भी है। तालाब के चारों तरफ सीढ़ीनुमा घाट बनाया गया है और यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और फिर उसके बाद भगवान के दर्शन करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ, जिसका निर्माण गढ़वाल राजाओं ने किया। काशी खंड और तीर्थ विवेचन खंड भी यह दर्शाते हैं कि मंदिर का वरुणेश लिंग गढ़वाल काल का है। नगर शैलियों में निर्मित यह मंदिर पंचरथ प्रकार का है। इसके तल की योजना में चकोर, गर्भगृह, अंतरा और धर्मरप है। मंदिर के ऊपरी भाग में नकाशीदार अंगूरा और जो कि आमलक आदि सहित सजावटी शिखर हैं। मंदिर की भीटियों पर उत्कीर्ण मूर्तियों में वामन, अर्धनारीश्वर, ब्रह्मा और विष्णु की आदि कई देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई हैं। मंदिर के निकट ही रूपाज की मूर्ति स्थापित है, जिसके समीप कर्दम कुप भी है। इनके दीवारों पे जैसा कि आप देख रहे हैं, नकाशीदार गढ़ी गई हैं और जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और इस दीवार पे अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, मैं दिखाऊंगा हनुमान जी का भी मंदिर। और यहाँ पे मैं बता दूँ, शिवरात्रि व सावन के माह में बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगा।
ये है विरूपाक्षगढ़ मंदिर, और ये जो देख रहे हैं सामने ये कुआं है, ये प्राचीन काल का कुआं है, बहुत ही पुराना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो है दीवार। ये है विरूपाक्षगढ़ मंदिर, आप देख सकते हैं ये इनकी मूर्तियां हैं। विरूपाक्षगढ़ काफ़ी प्राचीन मूर्तियां हैं, जो कि 12वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया रहा होगा। आप देख सकते हैं इनके तीन दिशाओं में इस तरीके से मूर्तियां बनाई गई हैं। दोस्तों ये हमारे तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, थोड़ी सी जानकारी थी, तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।